हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, अभी तक तो अपन ने फॉरवर्ड मार्केट की बात करी थी, अब फ्यूचर मार्केट की भी बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है ना, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंस। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉरवर्ड मार्केट में जैसे कि एक दोनों पार्टीज आपस में फिक्स करती हैं कि ये फ्यूचर में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है और फ्यूचर में हम इस प्राइस पे फिक्स कर रहे हैं। फॉरवर्ड में भी सेम होता है, फ्यूचर में भी सेम होता है, बस दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक रेगुलेटेड फर्म होती है, लाइक सेबी होगी, उसके बीच में एनएससी बीएससी आ रही होगी। सेबी के रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं और एनएससी बीएससी यानी किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू दोनों पार्टी आपस में एग्रीमेंट करती हैं, जिसमें लॉट साइज फिक्स होती है, जिसमें मार्जिन फिक्स होता है, जिसमें सेटलमेंट टाइम फिक्स होता है, सारी चीज़ें जो एक्सचेंज बोर्ड है वो फिक्स कर देता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर द डेरिवेटिव मार्केट इनेबलिंग रिस्क मैनेजमेंट एंड स्पेकुलेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस। ठीक है, इनेबल कर देता है बेसिकली, स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और की फीचर क्या है? एक्सचेंज के अंदर ट्रेडेड होगा ये, मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते ही आपको कुछ सेटल अमाउंट आपको बायर को और सेलर को दोनों को जमा कराना होगा एनएससी में। ठीक है, और मार्किंग टू मार्केट डेली सेटलमेंट भी होता है, वीकली सेटलमेंट भी होता है, मंथली भी होता है, डिपेंड कर रहा है कि आपका आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब इसमें टाइप्स आपको याद करा देता हूँ, देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जितने तरीके के कमोडिटी के अंदर अपन ये, जितने तरीके के प्रोडक्ट्स के अंदर अपन ये डेरिवेटिव्स करेंगे, उतने तरीके के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लाइक कमोडिटी में हो सकता है, इंटरेस्ट रेट में हो सकता है, स्टॉक में हो सकता है ना, करेंसी में हो सकता है, स्टॉक फर्नीचर कमोडिटी इंडेक्स के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर निफ्टी 50 कहाँ तक पहुँचेगा, एक सिंपल सी बात है। ठीक है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑप्शन, डिलीवरी ऑप्शन कैश सेटलमेंट्स होगा जब एसेट्स का होगा रहा हो, या यूजुअली फिजिकली डिलीवरी होगी जब एसेट्स की अपन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यूजुअल केस में कैश सेटलमेंट ही होता है। ठीक है, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक हेजिंग पॉइंट भी है। हेजिंग क्या है? मैंने जस्ट आपको एक क्वेश्चन में समझाया था, एक तरीके का इंश्योरेंस है जिसमें हम किसी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने इस करंट इन्वेस्टमेंट के लॉस को कम करने के लिए, मिनिमम करने के लिए, वो हेजिंग कहलाती है। वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, क्यों? क्योंकि हमको आइडिया होता है कि इतना परसेंटेज हमारा लॉस हो सकता है। ठीक है, स्पेकुलेशन को प्रमोट करता है ये, प्राइस की डिस्कवरी हो जाती है क्योंकि दोनों पार्टीज जब आइडिया लगा रही होती है कि प्राइस रेंज कहाँ तक जाने वाली है। जैसे कि अभी आप निफ्टी 50 की देखोगे तो उसकी एक प्राइस रेंज मिल जाएगी, एक स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी, और आपको वीकली एंडिंग में या मंथली एंडिंग के अंदर जो सेटलमेंट पीरियड होगा, आपको एंडिंग में एक प्राइस रेंज मिल जाएगी, जिससे आपको प्राइस की डिस्कवरी हो जाएगी कि ये यहाँ तक हमारा ये प्रोडक्ट जाने वाला है, स्टॉक जाने वाला है या मार्केट जाने वाला है। मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है क्योंकि इसमें मार्जिन रखा जाता है। बेनिफिट क्या होता है? रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं क्योंकि हेजिंग का इसमें प्रॉफिट मिल जाता है। लीवरेज मिल जाता है हमको क्योंकि पूरा अमाउंट हमको रखना नहीं होता और प्रॉफिट एंड लॉस कम अमाउंट के अंदर होता है, होता तो है लेकिन कम अमाउंट में होता है, मतलब हेजिंग के कारण लॉस कम अमाउंट में होता है। प्राइस की ट्रांसपेरेंसी रहती है बायर और सेलर के बाद में, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, सिक्योर्ड रहता है, ये भी एक इसके बेनिफिट्स में। ठीक है, इतना ही है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स अपने याद कर लिए, इसके बेनिफिट याद कर लिए, इसके बेसिक फंडामेंटल्स कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ला बोलते हैं। जय हिंद।